भैया पानी का बहुत असुविधा हो रहा है, आज 4-5 दिन से नल नहीं खुल रहा है, पूरा प्रॉब्लम है पानी की वजह से, और गरिया वासियों को पानी और कष्ट के वजह से पूरा प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ चारों तरफ से आउटसोर्सिंग खुल गया है, पानी भी नहीं मिल पा रही है गरिया वासियों को। कुआं पानी, कुआं वहाँ कहीं पानी नहीं है, अगल बगल में कुआं है तो अपना पर्सनल कुआं बनवा के रखे हुए हैं तो वो लोग लेने नहीं देते हैं। प्लस टंकी में पानी है तो उसमें मान लीजिए पूरा झरिया वासियों को पूरा पानी मिल रहा है, तो टंकी का पानी पूरा कचड़ा हो गया है। सूर्यदेव सिंह का चौक पर से हम लोग पानी लेने आते हैं तो यहाँ इनके कार्यकर्ता लोग भी भगा देते हैं कभी कभी। अब हम लोग डट करके क्या करें, बोलिए झरिया में रहने के लायक ही नहीं रह गया है। झरिया पर क्या नहीं, झरिया पर ध्यान ही नहीं है, ना विधायक का ध्यान है, ना संसद का ध्यान है, ना अपना प्रधानमंत्री का ध्यान है, कोई किसी का ध्यान ही नहीं है। उधर आउटसोर्सिंग खुलवा दी है घर के अगल बगल में, पूरा पानी का विवरण ही नहीं मिल पा रहा, ना पानी मिल पा रहा, ना खाने के लिए ढंग से मिल पा रहा, पूरा डस्ट बैठ जा रहा है खाना वाना सब में, पानी वानी में। किस तरीके से आदमी जीवन अपना, जिम्मेवार कौन है इसके लिए? इसके जिम्मेवार हमारा विधायक है और संसद है, और यहाँ का तो ये नगर निगम जिम्मेवार है। नगर निगम को तो ये खाली बस पैसा चाहिए, ये फलाना टैक्स चाहिए, सालाना टैक्स चाहिए, और कुछ हमने जाना कुछ नहीं है। आपका नगर निगम देखिए ना, हमारा नगर निगम क्या कर रही है, ना सफाई है, ना कुछ है, ना जल है, ना कुछ, खाली बस उसको टैक्स देते रहे, और हम लोगों को कोई काम नहीं है, काम धंधा छोड़ करके पानी भरेगा तो रात को जगे हुए हैं। हाँ, नाइट जग करके आएगा आदमी, उसको सुबह में पानी भरेगा फिर नाइट जगने जाएगा तो कैसे आदमी काम करेगा, बाल बच्चा को भी तो देखना है।